उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गोरखपुर का 61वां वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एसपी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बख्शीपुर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुई। विचार गोष्ठी का विषय लक्ष्य से भटकी हमारी शिक्षा, कारण और निवारण विषय पर शिक्षकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी में शिक्षक की समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। शिक्षक संघ से जुड़े जिले के शिक्षकों ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने अपने विचार रखे। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम, जिला मंत्री सत्यपाल सिंह, मंडल मंत्री डॉक्टर अजय पांडे, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में विभिन्न जिलों से आए शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ठकुराई ने कहा कि जनपद के वार्षिक अधिवेशन जिला मंत्री और कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट पारित किया गया है। लक्ष्य से भटकी हमारी शिक्षा, कारण और निवारण पर विचार गोष्ठी चल रहा है। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, वित्त विहीन विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों को भी विनियमित किया जाए, कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ठकुराई ने कहा, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता है। हम अगर कहीं दिक्कत आई, मंदी आई या किसी की गड़बड़ी की, तो सरकार गारंटी ले कि कम से कम इतना रिटर्न हम अवश्य देंगे आपके निवेशित धन की, ये मांग नहीं कोई कर रहा है। साथियों, पेंशन क्या मिलेगी? जो पुराने साथी पुरानी पेंशन योजना के, वो जानते हैं कि अंतिम माह का वेतन का 50% या 10 वर्ष के औसत में जो ज्यादा हो मिल जाएगा। यानी पेंशन फार्मूला आज तक नहीं आया, इसकी मांग होनी चाहिए। पारिवारिक पेंशन की स्थिति क्लियर नहीं है, पारिवारिक पेंशन की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। तो ये 3-4 चिंताएं अभी भी हैं। प्रस्ताव भी पारित हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से, अब उन कारणों का खुलासा मैं नहीं करना चाहता, हमारे एकाध नेता ये कहीं मुद्दे पर लगे रह गए, इसलिए सभी सेक्टर के मुद्दों को लिया जाए। भारत योजना 5 लाख की सबके लिए आ सकती है, तो 10 लाख 15 लाख की योजना सरकार कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं ला सकती? घर द्वार बिकने की स्थिति शिक्षकों की आ जा रही। तीसरा जो अध्यक्ष जी उठाए, वित्त विहीन से लेके सभी, तो हालांकि अखिलेश मिश्र जी का अध्यक्ष जी ने संयोजक पद पर मनोनयन किया, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, लेकिन मुझे सूचना है कि 4 भाग में बट गए हैं। अब गोरखपुर में ही दूसरे संगठन हो गए हैं। संगठन के बैनर को छोड़कर जाने का कार्य मत करिए। अगर किसी को आप महसूस करते हैं कि आदमी सही ढंग से कार्य नहीं करता है, विद्वान शिक्षकों को भी उसमें शामिल किया जाए। और उनके मुद्दे पर अध्यक्ष जी, जो आपका एजेंडा था कि विद्वान को लेकर के चला जाए, हमारे जैसे साथी गोरखपुर के आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जय शिक्षक, जय संगठन। सोचते ही नहीं, शिक्षा हम समझते हैं कि केवल एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां शिक्षा सबसे निचले पायदान पर है। साथियों, शिक्षा की दुर्दशा क्यों है, इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जरूरत इसलिए नहीं, मैं समझता हूं कि हम आप सब उसके भुक्तभोगी हैं। गोरखपुर जनपद का वार्षिक अधिवेशन है, इसमें शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिला मंत्री की रिपोर्ट पारित की गई है, कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट पारित की गई है, और अभी विचार गोष्ठी चल रही है, जो लक्ष्य से भटके शिक्षा, कारण और निदान पर विभिन्न लोगों ने अपने बात किए हैं। हमने ये कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए, वित्तविहीन विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों को भी विनियमित किया जाए, कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, ऐसे तमाम प्रस्ताव पारित किए गए हैं।